उम्मीद करता सारे ठीक हो गए। आज असी पूरी गांधी SR 1000 की डिटेल लवेंगे। इस अपने बाइक को मैं सारी डिटेल तुम देवगा, लैके देखो इसकी की फ्यूचर होंगे ने किन्ने 100 फुट मार्कर दी है, सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो तुम दसागा। मेरा भाई नाल गाइड करेगा, देखियो अज तो भाई अज मेरा भाई सारी तुम गांधी डिटेल देगा, मैं वीडियो बनावगा। तो बाकी मेरी जो भी ये डिटेल है मेरा भाई दें अपने, देखियो इस वीडियो दे। तो जी जनाब, ये मॉडल SR 1000 आर्टिनस कंपनी, सब नची कंपनी SR 1000 एस मॉडल है। एक SG मॉडल है, उदे विच तकरीबन जड़ा ना तो शरा नहीं पाना पैंदा, उदे उत्ते मैगजीन लग जाती। उदे विच इत्थे इस जगह तक करीब करके दिखा, इस जगह तो मैगजीन लग जाती, इस जगह तो मैगजीन लगती जितों ओपन करिए ना, ये तकरीबन इतों इस जगह तो रेयर होंगी है। उदे विच SG जड़ा मॉडल, एक खाली S मॉडल, SG मॉडल दे विच इत्थे मैगजीन लग जाती, उदे 10 to 7 शरे पैंदे, फर्को फर्क होंगी तकरीबन। तो यदि कपैसिटी की गल की जाए तकरीबन यदि FPS जड़ी है ना वो 800 to 710 तकरीबन फिलहाल जिनी को असी यदी रेंज चैक की 810 FPS उत्ते नहीं आई। तो यदि तकरीबन FPS के मुताबिक तुम दसी कि यदि लंबाई यदि जड़ा ना प्रेशर एक नॉर्मल PCP जड़ी ना नॉर्मल PCP तकरीबन 9 FPS है। तो यह प्रैशर 2 किले 2 एकड़ तकरीबन 400 फुट तक ये शरे की लंबाई है वे। तो उस तो बाद बहुत ही अच्छी तकरीबन 2 सिस्टम से आ रही, एक बोकी से आ रही, उस तो बाद एक पिस्टन से आ रही। तो साढ़े हिसाब न तो पिस्टन वाला काम नहीं ठीक, बोकी तकरीबन अंदाजन पुराने जमाने सही चल रही, तो बोकी सही चल चलेगी। तो यदि बोकी रबड़ दी सब तो अच्छी गल, प्लास्टिक जी होंगी हार्ड प्लास्टिक जी रबड़ ओदी है। तो जी नॉर्मल पहला आ रही स्नेर गन्ना तकरीबन छोटी गन्ना सन उन्होंने होंगी सी चमड़े की, उन्होंने तेल ज़्यादा लाना पैंता सी, अक्सर खराब हो जाता है। तकरीबन 2 साल की बोकी कट जाती ना, इन तेल लाना पैंता किसी चीज़, सिर्फ इस जगह तेल लाना पैंता जिथे ये वर्क करते हैं औजार, उस जगह तेल लाना पैंता। उस तो बाद अलहदा दूरबीन लैनी पैंती, दूरबीन तो ना भी लवो उस तो बगैर भी स्कार बहुत अच्छा होंगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई, एक सलेंसर दिता गया, यह आवाज़ में बहुत ज़्यादा काम करता है। सलेंसर के उत्ते एक दी गई है निपल कलर वाली, उस तो बाद जड़िया दो दिखाई गई ने ए कलर इन्हों चो सीधा सेध करनी, अगर थोड़ा निशाना नहीं लग रहा यह बटन है अप करने वाला और डाउन करने वाला, भी शरा अगर उपर लाग रहा तो डाउन करो, उपर लाग रहा तो डाउन करो, जो थले लाग रहा तो अप कर दो, ठीक है। उस तो बाद तकरीबन जड़ा ना यू इस चीज़ में जी चीज़ इसको थोड़ा करीब करके दिखा, इस चीज़ जी ना यह चीज़ ये अगे पिछे करवास ए लगा ए रोटेटर, ठीक है। इतों घुमाओ इस साइड पर भी चली जाती, इस साइड पर भी चली जाती, अप करने वास्ते वेखो ये अप हो रही है, ठीक है। उस तो बाद उल्टा घुमाओ ए डाउन हो रही है, ठीक है, ऐ डाउन हो गई। अगर उस चीज़ तुम इस नाल तकरीबन तकरीबन जो बराबर करना है इस चीज़ में, तो जस्ट में एक दो शरा चैक करो, एक पॉइंट लगा के वो उत्ते अगर तुम सैटिंग करना चाहो तो होर भी वीडियो साड़िया होंगी उन्होंने चैक कर सकते हो। तुम उस तो अलावा बन ऐ जड़ी चीज़ है बहुत नरम प्लास्टिक है, रबड़ बैट की लगी है, अच्छी है तकरीबन जड़ा ना जिमें हार्ड प्लास्टिक सेंटेथिक प्लास्टिक वो तैयार नहीं है, ये नरम है। उस बाद जी फड़न वाली चीज़ है वह बड़ी भी है पर ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, ये इतों इस तरीके फड़ सकते असी भी ए जी है ना यू अगे दूसरी एयर गन से वो इन्ना तकरीबन फड़न वाली थान से। उस बाद इतों जोड़े फड़न वाले वो भी अच्छी चीज़ है। एक इन्होंने सब तो मेन चीज़ जी शरा जिसम लोड हो, शरा लोड होने तो अलावा तो अगर शिकार नहीं मिल रहा अक्सर वो एवें पई रही सी एयरगन, इन्होंने सेफ्टी लाक दे दिता है, इतने करोगे ये लाक हो गई है, ये हूँ जड़ा ना जोड़ा हैम्बर यदा नहीं चल रहा, ठीक है। अगर इन असं थले करा तो फिर हैम्बर चल जाएगा, ठीक है। उस तो बाद उस तरह लोड भी की जाती जिस टाइम नॉर्मल एयरगन लोड की जाती। तो बाकी उस तो बाद स्कोप असी लाइए
ਇਹ ਕੋਮਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੋਮਟ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਨੌ ਤੱਕਰ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਤ੍ਰੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌ ਤੱਕਰ ਨੌ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨੌ ਐਕਸ ਤੱਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 9 ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 3 ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 9 ਤੇ ਜ਼ੂਮਿੰਗ 40x चालीस एक्स तक चालीस एक्स है जी 40x ज़ूमिंग है कोमट कंपनी उस बाद सेफ्टी या कवर लगे ने उतार भी दिते जा सकते हैं ठीक है ये शीशे थलू जो खराब ना हो ज्यादातर ज्यादा अरसे तक चले जा सके उस तो बाद लुक दे दी इन्होंने शीशे थोड़ा कलर दे के वैसे इनका अंदर वाला शीशा वाइट है यह लुक दे दी इन्होंने बहुत प्यारी जड़ा ने उत्ते कवर दे के ठीक है ये साढ़े वास्त सेफ्टी उस तो बाद अगर थोड़े को ये तुसी ला लीए ये ला लीए स्कोप यदि सैटिंग नहीं हो रही थोड़े को छेड़न की कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बहुत ज़्यादा आई हुई ने इसकी तुसी कोई भी जीरो आउट स्कोप लिख लोगे ना तो एयरगन की उत्ते सारिया आ जाएंगे तो अगर तुसी आप सैटिंग करनी है ये उत्ते ए लगे अक्सर ए कमांड जोड़े ने स्कोपा ने उन्होंने कमांड ना सही हो जाते हैं लेकिन यदा उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ दी है हाथ हुथ लगे हिल जाता से ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡੱਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਡੱਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ 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 ਸਕੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲੀ ਦਾ ਨੱਟ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਲੈਫਟ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਕੋਪ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛੇੜਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਰਾਨੀ ਸ਼ਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਰਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਰੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਨਮਾਨ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਰਬੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕ ਲੱਗਾ ਐਹ ਤੂੰ ਲਾਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੱਸ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਕ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਲੋਡ ਠੇਰੇ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਏਅਰਗਨ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਛੁੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਕਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਿਵਿਊ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਛਿੱਲੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਇਹ ਛਿੱਲੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ
तकरीबन ए वेखो दो सूत्र अंदर छरा चला गया ये मतलब थोड़ा थलो चेक करा बेचों की थलो चेक करा ए वेखो जी मोटी जिते बेच जिहड़ा ना छिलड़ तू छिलड़ पट दी तीन चार लैम तैव लेयर जड़ियाँ उन्होंने पट दी ना थले जी लकड़ शुरू होंगी ना लकड़ तक छरा गया यदा तकरीबन असी 20 फुट तो मार की जोड़ा पॉइंट से उस पॉइंट के उजी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है तो परिंदा तो तकरीबन बच नहीं सकता कोई भी बचेगा तो कुदरत जी बदी है वो मरना नहीं भावें हाथ ना पे मारो फड़ के धोम रोड़ के मार दो तो लैनी हो रहा कर सकते हो अगर तुम लैना चाहो PCP तो बचो PCP की बकवास चीज़ है ना वह स्पेयर पार्ट मिलता है इतों ना वह तुम कोई ऐसी चीज़ मिलेगी PCP बकवास है सिर्फ और सिर्फ एक साल वो तो अगर एक बंदा चलावे चलेगी तकरीबन ये जरा दिल चला ले बच्चा भी चला सकता है बड़ा भी चला सकता है जो नजान भी चला सकता है PCP को कारीगर बंदा चलाएगा अगर नजान बंदा चला जो हैमर हों असी भी चलाई है वह भी तुम वीडियो दिखावे लेकिन वो अच्छी वीडियो नहीं बनाते चो चासी नहीं आया उसकी यदि बहुत ही अच्छे रिव्यू है तकरीबन अज तक जिन्हें भी शिकार किए ना इन्हें मिस नहीं किया PCP वह शरा जरा ना थोड़ा जहा छोटे वाली वो शरा हवा के फिर जाता है तो हमेशा जो तुम हवा के मुहालत सिमत इस्तेमाल करोगे ये नहीं इस्तेमाल होगी शरा फिर जाएगा क्योंकि हौला होंगे यद भी करोगे इवी होएगा ये नहीं PCP का यदा भी हो जाता है यदा शरा तकरीबन 2 नंबर शरा है अगर 1 नंबर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा शरा है वो तो बहुत ज़्यादा मार कर देना तो वो स्टील ना स्टील के मिक्सिंग स्टील होंगी सिल्वर का जरा हों सिक्का वेद अगर किसी लैना ही हो असी स्क्रीन के थले नंबर दे रहे हैं किसी चाहिए हो नवी यू मिल सकती है तो यदि कीमत तकरीबन 27,000 रुपया यूट्यूब पर तुम अक्सर वेखी जोड़ा बंद है ना तो आख रहा है 21,000 22,000 21,000 22,000 बगैर स्कोप यदि कीमत है 27,000 डिलीवरी चार्ज तो आप देने पैने तो आर्डर बुक कन्फर्म करने वास्ते पहला तो कुछ पेमेंट देनी पी ये 21,000 20,000 21,000 22,000 रेट ला के तुम दस रहे ना भी है इन्ने की साढ़े को लै लो एडवांस बुकिंग मंगाते थोड़े को बाद नंबर नहीं मिल चुकते ठीक है लैनी अगर तुम थोड़े शहर के भी दुकान है उतो लवो जिनी तक पक्का बंदा वो को लवो जोड़े तुम अच्छी गन दे सके उस तो बाद अच्छी चीज़ जिद लैनी PCP ना लो S1000S मॉडल लवो S1000S जोड़ा SG मॉडल है वो तकरीबन बहुत खराबियां आने लग पे जी उन्होंने इतने तकरीबन मंगाई मैगजीन वाली थान और जिस टाइम मैगजीन कडो पाओ जड़ा ना प्ले आ जाती फिर थोड़ी थोड़ी हिलती प्रैशर लूज होने लग पैदा वेद फिर तुम नाली नवी पानी पै जी या पिछला सिलेंडर नवा पाना पैदा कोई खर्चा नहीं 4-5 साल बाद जाके तकरीबन यदा सिलेंडर स्प्रिंग खत्म हो जाएगा या फिर तुम बोकी नवी पानी पेगी दो चीज़ा ने और यदि कोई चीज़ नवी नहीं पवानी पैंती ला के वैसे उन्होंने दे दिता है स्कोप असी ये ला लीए कोमेंट कंपनी की अच्छी कंपनी है तकरीबन आ रही है 5,000 की स्कोप आ रही है ठीक है तो स्कोप लैनी चाहो स्कोप भी मिल जाती है तो पिछला रेट तकरीबन अज का रेट तो कोई पता नहीं तकरीबन 15-20 दिन पहला का रेट है 5,000 तो वह 4,000 भी तुम दस रहे कोमेंट की 7,000 भी दस रहे हैं 5,000 रेट यदा तो होर कोई इनफॉर्मेशन लैनी हो साडा YouTube चैनल ये मुकम्मल वीडियो पाते रहेंगे तो वेंदे रहा करो ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी उम्मीद करता तुहानू ये सारी वीडियो जी मेरे भाई ने डिटेल दी है अच्छी लगी होगी अगर तुहानू ये चैनल पर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा YouTube चैनल सबसक्राइब कर लो ऐसी मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आदि रहनगियाँ। अल्लाह हाफिज़।